यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बहनों एवं भाइयों को मेरा स्वागत नमस्कार। हम लोगों के परम गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस जगत के कल्याण के लिए विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रवचन दिए हैं। उन्हीं प्रवचनों में से एक पर मैं अपनी अल्प बुद्धि से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आलोच्य विषय है सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते। यह जो संस्कृत का वाक्यांश है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है तत्कर्म यद न बंधाय सा विद्या या विमुक्ते आयासाय अपरम कर्म विद्या अन्य शिल्प नैपुण। तत्कर्म यद न बंधाय, वह कर्म जिस जो बंधन का कारण न बने। महर्षि पराशर कहते हैं वह कर्म जो बंधन का कारण न बने सा विद्या या विमुक्ते, वह विद्या जो जिसे विमुक्ति प्राप्त हो। और आगे है आयासाय अपरम कर्म, यानी अन्य जो कर्म है वो क्या है, श्रम मात्र हैं। अन्य जो भी अपर कर्म है वो श्रम मात्र हैं। और विद्या अन्य सिर्फ नैपुण, और अन्य जो विद्याएं हैं वो सिर्फ यांत्रिक निपुणता मात्र हैं। तो हमारा आलोच्य विषय है सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही ठीक है, विद्या वही अच्छी है जिससे हमको विमुक्ति प्राप्त होती है। विमुक्ति का मतलब अस्थाई रूप से छुटकारा। विमुक्ति का मतलब अस्थाई रूप से छुटकारा। एक होता है मुक्ति, दूसरा होता है विमुक्ति। विमुक्ति, मुक्ति का मतलब हुआ छुटकारा और विमुक्ति का मतलब हुआ अस्थाई रूप से छुटकारा, परमानेंट छुटकारा जिससे मिल जाए। तो छुटकारा किससे, तो बंधनों से। बंधन क्या है, अष्टपाश और षट ऋतु। मनुष्य के शरीर में अष्टपाश और षट ऋतु के बंधन रहते हैं। अष्टपाश यानी आठ पाश, घृणा, शंका, लज्जा, भय, युगुप्सा, कुल, शील और मान। उसी प्रकार षट ऋतु हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और